इस्लाम का उदय इतिहास के कई चमत्कारों में से एक है। सन 622 ईस्वी में एक पैगंबर ने मक्का छोड़कर मदीना की शरण ली। एक शताब्दी बाद उस शरणागत के उत्तराधिकारी और अनुयायी एक ऐसे साम्राज्य पर शासन करने लगे जिसका विस्तार प्रशांत महासागर से सिंधु तक और कैस्पियन से नील तक था। यह सब कुछ कैसे हुआ आश्चर्यजनक तो है ही, किंतु एक शिक्षाप्रद कहानी भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूर्या सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं सूर्या टॉक। दोस्तों, आज हम इस्लाम धर्म के उदय के बारे में बात करेंगे और हजरत मुहम्मद साहब की जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत साहब का जन्म सन 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला इनके जन्म से पूर्व ही स्वर्ग सिधार गए थे तथा इनकी माता अमीना भी इन्हें बचपन में छोड़कर चल बसी थी। उस समय इनकी उम्र मात्र 6 वर्ष की रही होगी। फलस्वरूप उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। आपका बचपन का नाम अल अमीन था और आपको कुरान में मुहम्मद और अहमद के नाम से पुकारा जाता है। बचपन से ही मुहम्मद साहब अपनी एकाग्रता और सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें अपने व्यापारी चाचा अबू तालिब के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता था। इन यात्राओं के फलस्वरूप मुहम्मद साहब को भी व्यापार का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन्हीं में से एक यात्रा के दौरान मुहम्मद साहब की मुलाकात एक ईसाई पादरी बहिरा से हुई। बहिरा के उपदेशों से मुहम्मद साहब बहुत प्रभावित हुए। 25 वर्ष की आयु में आपका संपर्क खदीजा नाम की एक विधवा महिला से हुआ। वह एक धनवान महिला थी तथा व्यापार और ऊँटों के कारवां का व्यवसाय करती थी। वह मुहम्मद साहब के गुणों से बहुत अधिक प्रभावित हुई तथा उसने 40 वर्ष की अवस्था में मुहम्मद साहब से विवाह कर लिया। मुहम्मद साहब की आयु उस समय 25 वर्ष थी। मुहम्मद साहब के कई लड़के हुए जो मृत्यु का शिकार हो गए। उनकी एक बेटी फातिमा थी जिसकी शादी मुहम्मद साहब के भतीजे अली के साथ हुई। यही अली इस्लाम का चौथा खलीफा बना। फातिमा को अज जोहरा यानी खूबसूरत कहा जाता था। सुख समृद्धि मुहम्मद साहब के जीवन को परिवर्तित न कर सके। फलस्वरूप उन्होंने अपने आप को समाज के न्यूनतम वर्ग के लिए समर्पित कर दिया। वह प्राय अपने समाज में आई बुराइयों से विचलित होकर मक्का पहाड़ की हीरा नामक एक गुफा में बैठकर ध्यान करते थे। एक दिन जब वे चिंतन कर रहे थे तो अर्धरात्रि को एक आवाज सुनाई दी जो उन्हें कह रही थी कि तुम अपने अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया है के नाम पर पढ़ो। इस पर हजरत मोहम्मद साहब बोले, मैं यह सब कैसे कर सकूंगा, क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे। यह सुनकर आवाज ने दोबारा कहा, पढ़ो क्योंकि तुम्हारा अल्लाह अत्यधिक उदार है जो तुम्हें कलम से पढ़ाता है और आदमी को वह सिखाता है जो आदमी को नहीं मालूम। यह पहली आकाशवाणी थी। इस रात को शक्ति की रात कहा जाता है। यह रात रमजान के अंत में पड़ती है। कुछ समय पश्चात उन्हें वह आवाज दोबारा सुनाई दी। मुहम्मद साहब बुरी तरह से डर गए और वे घर की तरफ भागे, लेकिन उन्होंने फिर आवाज सुनी। यह आवाज देवदूत जिब्रील की थी। मुहम्मद साहब ने सोचा कि अल्लाह ने उसकी रूह से कहा है कि वह उठकर जनता को नए उपदेश दे। इस्लामी परंपरा के अनुसार जिस समय उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय उनकी आयु 40 वर्ष की थी। मुहम्मद साहब को मिले इन निर्देशों को बाद में कुरान नामक पवित्र पुस्तक में संग्रहित किया गया। हजरत मुहम्मद साहब के प्राथमिक अनुयायियों में उनकी पत्नी खदीजा, भतीजा अली और अबू बकर थे। शीघ्र ही उनके अनुयायियों की संख्या बढ़कर 50 हो गई। किंतु मक्का में रहते हुए जैसे जैसे मुहम्मद साहब प्रचलित बुराइयों के विरुद्ध अधिक उग्र होते गए, कुरैशों में उनका विरोध बढ़ता गया। मक्का में उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता प्रभावशाली एवं संपन्न लोगों की आंखों में खटकने लगी। इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, जबकि मक्का के काबा पर प्रति वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते थे जिससे भारी मात्रा में आय होती थी। कुरैश लोग नहीं चाहते थे कि उनकी आमदनी समाप्त हो जाए। मुहम्मद साहब अपने उपदेशों से सामाजिक और राजनीतिक क्रांति ला रहे थे जिसे पुराने रूढ़िवादी लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। कुरैश में रहने वाले पुरोहितों ने सोचा कि यदि इस्लाम इसी तरह निरंतर प्रगति करता रहा तो उनका कार्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने कुरैश जनता को भड़काना शुरू कर दिया। इस प्रकार मूर्ति पूजक इस्लाम के कट्टर विरोधी बन गए। लोगों ने मुहम्मद साहब पर हिंसात्मक प्रहार करने शुरू कर दिए। उन्हें पत्थर मारने के साथ साथ अन्य कठोर यातनाएं भी दी जाने लगी। मुहम्मद साहब के विरोध के साथ साथ उनके अनुयायियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। किंतु अचानक उन पर भारी संकट आ पड़ा।
सन 619 ईस्वी में उनकी पत्नी और उनके चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो गई। उनके कबीले का नया शेख उनका भाई भी उनका कट्टर विरोधी था, अतः मुहम्मद साहब को मिलने वाली यातनाओं में कोई कमी नहीं आई। कुरैश लोगों ने उन्हें जान से मार डालने तक की योजना बना ली। उनको मक्का में रहना कठिन हो गया, फलस्वरूप उन्होंने अपने अनुयायियों सहित तैफ जाने का निर्णय लिया, किंतु यहाँ उनका और अधिक विरोध हुआ। निराश होकर वे मक्का लौट आए। मक्का में उन्हें मदीना आने का निमंत्रण मिला, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। मदीना के लोगों के निमंत्रण पर अपने 200 अनुयायियों के साथ लुकते छिपते मुहम्मद साहब मदीना पहुँचे। 2 जुलाई सन 622 ईस्वी को वे मदीना पहुँच गए। इस्लामिक ग्रंथों में इस तारीख को हिज्र कहा जाता है और इसी दिन से मुस्लिम कैलेंडर का आरंभ होता है। मदीना पहुंचकर मुहम्मद साहब ने धर्म के साथ साथ राजनीति में भी रुचि लेना आरंभ कर दिया। उन्होंने यहां एक सुगठित राज्य की स्थापना कर ली। अब वे धर्म प्रचारक के साथ साथ मदीना के राजा भी बन गए। उनकी सफलताओं के फलस्वरूप कुरैश लोग उनसे जलने लगे। कुरैशों के साथ साथ कुछ मदीना वासी भी उनसे द्वेष रखते थे। इन दोनों पक्षों ने मिलकर मुहम्मद साहब को मदीना से निकालने का निश्चय कर लिया। फलस्वरूप मुहम्मद साहब तथा कुरैशों के बीच सन 623 ईस्वी में संघर्ष हुआ। कुरैशों के नेता अबू सुफियान के पास 900 सैनिक थे, जबकि मुहम्मद साहब की सेना इससे एक तिहाई थी, लेकिन युद्ध का निर्णय मुहम्मद साहब के पक्ष में हुआ। उनके मात्र 14 सैनिक मारे गए, जबकि शत्रु पक्ष के 50 सैनिक मारे गए और 50 सैनिक बंदी बना लिए गए। बद्र के युद्ध से मुहम्मद साहब को अबुल फन की संपत्ति मिली। इस संपत्ति के 5वें भाग को अपने पास रखकर मुहम्मद साहब ने शेष धन को अपने सैनिकों में बांट दिया। बद्र की लड़ाई इस्लाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। यह मुहम्मद साहब की पहली निर्णायक विजय थी और कुरैशों के साथ साथ यहूदियों ने भी हजरत मुहम्मद साहब की शक्ति का लोहा मान लिया। लेकिन बद्र की अपमानजनक हार को कुरैश लोग भुला नहीं सके और वे युद्ध की दोबारा तैयारी करने लगे। 12 महीने पश्चात ही उन्होंने अबू सुफियान के नेतृत्व में सन 625 ईस्वी में दोबारा आक्रमण कर दिया। कुरैश और हजरत मुहम्मद साहब के बीच का यह युद्ध उहद नामक स्थान पर हुई। इस युद्ध में हजरत मुहम्मद साहब बुरी तरह घायल हो गए। मक्का की घुड़सवार सेना ने हजरत मुहम्मद साहब की सेनाओं को पराजित कर दिया, किंतु यह पराजय भी इस्लाम की बढ़ती हुई प्रगति को नहीं रोक सकी। इस युद्ध में भी अंतिम विजय मुहम्मद साहब की ही हुई। उन्होंने यहूदी जाति के एक वर्ग को भी मदीना से निकाल दिया। अब इस्लाम का धर्म के साथ साथ राजनीति पर भी अधिपत्य हो गया तथा यह विश्वव्यापी धर्म अब एक लड़ाकू राजतंत्र बन गया। उहद की लड़ाई में पराजित होने के पश्चात कुरैश लोग मुहम्मद साहब की लोकप्रियता को अपनी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समृद्धि के लिए खतरा समझते थे। उन्होंने यहूदियों और बछुओं की सहायता से मदीना पर फिर आक्रमण करने का निर्णय किया। इतिहास में इस संगठन को अहजब कहा जाता है। सन 627 ईस्वी में खंदक के स्थान पर दोनों ओर की सेनाओं में फिर से युद्ध हुआ। शत्रु के आक्रमण से नगर को सुरक्षित रखने के लिए हजरत मुहम्मद साहब ने नगर के चारों ओर खाई खुदवा दी। खाइयों की वजह से ही शत्रु पक्ष के 600 घुड़सवार अप्रभावी हो गए, जिससे शत्रु की सेना में खलबली मच गई। इस युद्ध में मक्का निवासी बुरी तरह से प्रभावित हुए। 600 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया तथा शेष को देश से निकाल दिया गया। इस युद्ध में मिली विजय के परिणाम स्वरूप ही हजरत मुहम्मद साहब एक साम्राज्य गठित करने में सफल हुए और इस्लाम के विरोधी अब लगभग समाप्त हो गए थे। सन 630 ईस्वी में हजरत मुहम्मद साहब 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का पर आक्रमण करने के लिए चल दिए। मक्का में केवल मुट्ठी भर लोगों ने ही उनका विरोध किया और वे मक्का पर अधिकार करने में सफल हो गए। इसके बाद हजरत मुहम्मद साहब काबा नामक स्थान पर गए। उन्होंने काबा के 7 चक्कर लगाए और वहां स्थित 660 मूर्तियों को तोड़ डाला और कहा कि सत्य का दीपक जल उठाए और असत्य का कुहासा खत्म हो गया है। इस प्रकार उन्होंने मक्का में मूर्ति पूजा को समाप्त कर दिया और लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। दोस्तों, 8 जून सन 632 ईस्वी को हजरत मुहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, हजरत मुहम्मद साहब की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।